व्हाट्सअप एवरीबॉडी, आज का टॉपिक ये है। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ दुबई से केरला, तो ट्रैवलिंग में वो जर्नी में क्या क्या होगा, जो प्रोसेस अभी कोविड 19 चल रहा है तो जो प्रोसेस होगा वो मैं तुमको आगे बताऊँगा। और टैक्सी में हूँ, पहुँचूँगा सब आपको बताऊँगा। तो बस ये याद रखना, मास्क ग्लव्स वेरी इंपॉर्टेंट है, वरना एयरपोर्ट के अंदर नहीं देंगे आपको जाने। एयरपोर्ट में तो आपको मिल जाएगा मास्क और ग्लव्स, बट देन टू वहाँ पहुँचने तक मास्क और ग्लव्स आपके पास कैसे भी रखना है। ओके, तो जो मेरे कैब वाले अंकल हैं उन्होंने मेरे को एक एक्स्ट्रा मास्क दिए कि ताकि आगे काम आ जाए। आपका नाम क्या होता है? आपने शफाक हुसैन। शफा दे, देखो हाय बोल दो बस। शफाक हुसैन हाय बोल दो, हाय बोल दो, हाय। बहुत अच्छे आदमी, मास्क दिए आपने दिल से। आपसे जरूर मिलेंगे अंकल वापस जब आएंगे। मिलते हैं गाइस। हाल चाल बहुत खराब है, सोशल डिस्टेंसिंग है, लाइन है, तो इसको zigzag करके पार करना है। पसीना भी देख रहे हो तुम मेरे फेस में, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत रहता है। और आपको दिखा दो कि क्या सिनेरियो है। तो अभी मैं हूँ एयरपोर्ट में, और सुनने में आया है कि अभी कोविड 19 का टेस्ट होगा यहाँ पे। अभी लाइट भी नहीं है यहाँ पे, तो शायद मैं तुमको नहीं दिखता रहूँगा। तो सब लोग अभी बैठे ही यहाँ पे लोग हैं। मैंने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया यार, सुबह से बहुत भूख लगा है। तो देखते कुछ खाने मिलता है नहीं मिलता है। बता दो आपको आगे का क्या क्या है, सबका एक एक नाम लेते हैं, जैसे होता है तुमको बताता हूँ। एक आदमी है और सबका नाम ले रहा है जिसका जिसका कोविड 19 का टेस्ट हो रहा है, और फिर बता रहे हैं इसका। इसको पॉजिटिव है उन लोग को भेज देंगे, नेगेटिव है वो रहेंगे। वैसा है यहाँ पे अभी, तो देखते आगे क्या है। मेरा फ्लाइट है अब 2:30 का फ्लाइट है। वो गाइस कि पहुँच जाऊँ मैं सेफली, और होप कि तुम सबको मैं सब इंफॉर्मेशन दूँ जो भी है एयरपोर्ट में। अब तक मिलते हैं, वेट करो। ये देखो गाइस टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, ऐसा तो ये ब्लड टेस्ट होगा। और फिर अभी मेरा ब्लड टेस्ट हो गया, जस्ट ब्लड टेस्ट करा, और 2 मिनट के अंदर सीधा रिजल्ट बताते हैं। मतलब बैठे बैठे टेस्ट किया और बैठे बैठे सीधा रिजल्ट बता देंगे आपको कि आप पॉजिटिव हो कि नहीं, तो वो सीन है। तो अभी तो मेरा सब क्लियर है फिलहाल के लिए, अब रुको फ्लाइट के लिए। और अब देखते आगे का प्रोसीजर क्या है। अगर आगे का तो नॉर्मल होगा, वही बोर्डिंग पास, फिर इमिग्रेशन, वही रहेगा। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि केरला जाने के बाद फिर मेरे को क्वारंटाइन कैसे रखते, कहाँ रखते, कैसा होगा वो है। क्योंकि केरला में लोगों को वहाँ लूट रही नहीं है अभी, जैसा हमने में देखा था बहुत सारे मुंबई साइड, वहाँ पे आपको होटल्स में 1800 वहाँ पे मिनिमम चार्ज है पर डे का। केरला में अब 28 डेज का क्वारंटाइन होगा आई थिंक सो, मुझे कंफर्म करना है जाके। 14 डेज का इंस्टीट्यूशन बाहर रखेंगे और 14 डेज घर पे, तो मुझे एक बार कंफर्म करना है। वो जैसे कंफर्म होता है मैं आप सबको बताऊंगा कि कैसा क्या। पूरा 14 डेज का मैं आपको पूरा रिव्यू दूंगा अच्छे से, रहने के बाद बताते उसमें। तो ब्लड टेस्ट ऐसे पूछा उनको कि कभी आ जाएगा मेरा रिजल्ट, तो अब भी क्या अभी 2 मिनट दो। तो वैसे ही मेरे को रिजल्ट आ गया, फिट टू फ्लाई, पर स्टिकर लग गया मेरे पासपोर्ट पे। अब उड़ो, अब जाओ केरला, कैसे भी ऐसा सीनारी है कुछ तो कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ भी करो, कहाँ भी जाओ, मास्क पहनना, ग्लव्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सैनिटाइज़र लगाओ, हमेशा सैनिटाइज़र यूज़ करो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब, हमेशा काम आएगा। फ़िलहाल के लिए ये पूरा साल तो सैनिटाइज़र तो हमेशा आप यूज़ ही करना चाहिए। मैं भी बहुत सालों से सैनिटाइज़र तो मैं यूज़ करता हूँ, बट इतना रेगुलर तो नहीं करता था कि जैसे ये रोज़ दिन में 10-12 बार तो नहीं करता था, बट मेरे पास सैनिटाइज़र रहता था कि कभी बाहर जाया तो ऐसा लगता था उसको।
स्टेशन थे और बहुत सारा सब कुछ था। अभी तो फिलहाल मैं थक गया था, मैं तुमको आके बताता हूँ कि क्या था क्या नहीं। भाई फिलहाल के लिए बैग के लिए रुको, और मेरी कैब बाहर खड़ी है। तो जैसा काम होता है सब कुछ होता है, मैं सब क्लियर कट बताता हूँ कि क्या क्या हुआ था क्या क्या नहीं। अब तक के लिए रुक जाओ थोड़ा, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। सो मैं आ गया हूँ मेरे घर पे। अभी 14 डेज का क्वारंटाइन कम्प्लीट कर दिया मैंने, जो मैं लॉज में था। अब मैं मेरे घर पे हूँ, आप देख सकते हो, घर आ गया हूँ मैं मेरे। मैंने आपको बताया था कि केरला में रूल है यहाँ पे कि 14 डेज का क्वारंटाइन बाहर होगा और 14 डेज का क्वारंटाइन घर पे होगा। तो अब मेरा 14 डेज का घर पे यहाँ पे चालू हो गया। तो आप देख सकते हो ये जो पीछे जो ऐसे कपड़े लगाए जो, वो उसके बाहर मैं नहीं जा सकता, तो मैं सिर्फ वरांडा में चल सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि कैसा होता है। ये देखो, ये वैसा वरांडा है, तो इधर तक ही मैं चल सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं, इससे बाहर नहीं जा सकता। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों को। सो 14 डेज में मुझे 3 टाइम का खाना मिलता था, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, रात का डिनर, ये तीनों घर से आता था खाना। सो एकदम सही। क्वारंटाइन खत्म होने के बाद फिर मैं यहाँ घर से बाहर भी निकल सकता हूँ और मेरे को जो करना है कर सकता हूँ। बट अभी 14 डेज का यहाँ भी कम्प्लीट करने का। अभी बहुत लोग हैं जो जिसको ट्रैवल करना है और कुछ पता नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है कि कैसा होता है अगर केरला ट्रैवल करना है, तो ये वीडियो उनको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इनफैक्ट केरला ही नहीं, इंडिया में ऑलमोस्ट सब जगह ऐसा ही है सीन। तो सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। बहुत टाइम बाद मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, तो अभी शायद ऐसे मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहूंगा, व्लॉग डालूंगा। अभी मेरे डांस वीडियोज भी आते रहेंगे ऐसे। और बहुत जन को किसी को भी हेल्प चाहिए इस चीज़ में, तो मुझे DM करो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाहर जाओगे तो मास्क और ग्लव्स पहनो, हाथ में सैनिटाइजर रखो, बहुत काम आएगा। और तब तक के लिए ध्यान रखो और मचाते रहो। पीस आउट गाइस।